सलमान खान ने धर्मेंद्र के साथ रिक्रिएट किया एनिमल का सीन, विक्की अंकिता के रोमांस में बंधा समा। नए साल की शुरुआत से पहले व्यूअर्स को बिग बॉस 17 पर धर्मेंद्र और बॉबी देओल का खुमार चढ़ते देखने को मिलेगा। अक्सर कंट्रोवर्सी में रहने वाले शो में 2023 के आखिरी दिन ढेर सारी मस्ती और धमाल होगा। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र और मीका सिंह शो में एंट्री लेंगे। वहीं वीकेंड का वार के रविवार वाले एपिसोड में सलमान खान का भी आगमन देखने को मिलेगा। पिछले कुछ हफ्तों से रविवार का एपिसोड अरबाज और सोहेल खान होस्ट कर रहे हैं। बिग बॉस के घर पर आने के बाद 88 साल के धर्मेंद्र ने खूब मस्ती की। उन्होंने बॉबी देओल के जमाल कडू गाने का हुक स्टेप भी किया। उनके साथ सलमान, अरबाज, सोहेल और कृष्णा अभिषेक ने भी इस गाने पर डांस करते हुए खूब मस्ती की। मगर ठहाकों का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहीं से शुरू हुआ। प्रोमो में दिखाया गया है कि मिमिक्री में माहिर समर्थ जुरैल यानी चिंटू धर्मेंद्र के अंदाज में डायलॉग बोलते हैं। घर में अक्सर लड़ते झगड़ते देखे जाने वाले विक्की जैन और अंकिता लोखंडे का रोमांटिक डांस देखने को भी मिले, यानी तनाव भरे माहौल में कपल के बीच प्यार की पंखुड़ियां फूटते दिखेंगी। धर्मेंद्र को कपल का स्वीट डांस काफी पसंद आया। एक और ये कपल रोमांटिक डांस करते देखा जाएगा तो दूसरी ओर ईशा समर्थ और अभिषेक का लव ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पर बना डांस भी देखने को मिलेगा। बिग बॉस 17 में 2024 का वेलकम ग्रैंड पार्टी से होगा। कंटेस्टेंट्स एक से बढ़कर एक बॉलीवुड गानों पर कमर मटकाते हुए नजर आने वाले हैं, यानी रविवार की शाम काफी धमाकेदार और हंसी मजाक के साथ खत्म होगी। मौज मस्ती के साथ ही बिग बॉस 17 से दो कंटेस्टेंट्स का सफर भी खत्म हो जाएगा। नए साल में फैंस को रिंकू धवन और नील भट्ट का खेल देखने को नहीं मिलेगा। तो इस विषय में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और बिग बॉस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।